हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32, 4 टू द पावर 1 बाई 5। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 4 टू द पावर 1 बाई 5 टू द बेस 2 रूट 2। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, यहाँ पर कुछ बातें देख लेते हैं। अगर हमें एक्सपोनेंट में दे रखा हो ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन, तो हम लोग उसको लॉगरिथम की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू लॉग एन एट बेस ए। यहां पर देखिए, जो यहां पर बेस होगा वही लॉग के बेस में आएगा, ठीक है। जो पावर है वो यहां पर आएगी और ये एन यहां पर, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में बोल सकते हैं और ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म है, ठीक है। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 32, 4 टू द पावर 1 बाय 5 टू द बेस 2 रूट 2। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड लॉगरिथम, ठीक है। तो अगर एक्स रिक्वायर्ड लॉगरिथम है तो इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बेस रखना है 2√2, तो बेस हो गया 2√2, ठीक है। और x लॉगरिथम रिक्वायर्ड है तो पावर में हो गया x इज इक्वल टू, में दे कितना रखा है, हमें किसका लॉगरिथम फाइंड करना है, 32, और 4 टू द पावर 1 बाई 5 है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1 बाई 5, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 4 टू द पावर 1 बाई 5। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर 2 दे रखा है और रूट 2 दे रखा है, तो 2 में तो पावर कितनी रहेगी, 1 मल्टीप्लाई रूट 2 का मतलब हो गया 2 की पावर 1 बाई 2, और होल पावर कितनी है, x इज इक्वल टू यहां पर देखिए 32, तो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5, क्योंकि 2 टू जार 4 टू जार, अगर हम इसके 32 के फैक्टर करें तो 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें 32 मिलेगा, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 2 टू द पावर 5 इंटू 4 को अगर हम लिखना चाहें 2 की पावर में तो लिखेंगे 2 की पावर 2, और होल पावर कितनी है, 1 बाय 5, ठीक है। आइए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 2, मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सिमिलर है तो पावर्स ऐड होती हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2 टू द होल पावर x, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर देखिए 2 टू द पावर 5, ठीक है, और इंटू में 2 टू द पावर, अगर पावर की पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 इंटू 1 बाई 5 कितना हो जाएगा, 2 बाई 5, इतना हमें मिल गया। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 2 टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2 कितना हो गया, 3 बाई 2 टू द होल पावर x इज इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 प्लस 2 अपॉन 5, क्योंकि बेस सिमिलर है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए यहां पर पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि यहां पर हमें मिलेगा 2 टू द पावर 3x अपॉन 2, क्योंकि 3 बाई 2 और x की मल्टीप्लाई हो गई, तो हमें मिल गया 2 टू द पावर 3x बाई 2 इज इक्वल टू यहां पर कितना मिलेगा, 2 टू द पावर 5 प्लस 2 बाई 5, तो अगर हम लोग यहां पे अपॉन में 1 ले और एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करें तो 5 5 जार 25 प्लस 2 27 अपॉन 5, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखिए एलएचएस और आरएचएस में दोनों में क्या है, बेस सिमिलर है, तो जब बेस सिमिलर है तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट 3x बाय 2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 5, तो अगर हम लोग यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें देन वी गेट 3 5 जार 15x इज इक्वल टू 54, या फिर हम कहें कि x इक्वल टू 54 अपॉन 15, ठीक है। तो अगर हम 15 से इसको डिवाइड करें देन वी गेट 15 3 जार 45, ठीक है, तो 9 बचेगा, डेसिमल यूज करेंगे तो 9 के आगे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 90 हो जाएगा, 15 6 जार 90, देन वी गेट 3.6 इज द आंसर विच इज द वैल्यू ऑफ x विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।